इस दुनिया में लोगों के साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं जो उनके साथ साथ दूसरों को भी हैरत में डाल देती हैं। कभी कभी तो कुछ ऐसी बातें होती हैं कि लोग डर से सहम भी जाते हैं। लोग इन बातों को भूतिया भी मानने लगते हैं और कुछ इसका साइंटिफिक रीजन भी बताते हैं। जरा सोचिए कि अगर आप कहीं जाएं और आपके जाते ही वहां पर बारिश शुरू हो जाए और आप जैसे ही उस जगह से हटे बारिश बंद हो जाए, और ऐसा एक बार नहीं बार बार होगा तो आपको कैसा लगेगा? दिमाग में एक बात तो आएगी कि आखिरकार आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं इसके पीछे किसी चीज का साया तो नहीं। एक रहस्यमय बात हुई अमेरिका के पेंसिल्वानिया में। यहाँ रहने वाले डोनाल्ड उर्फ डॉन डेकर के साथ दुनिया जिन्हें द रेनमैन के नाम से जानती है, उनके साथ एक घटना हुई जो आज भी एक अनसुलझी पहेली है, जिनके पीछे का रहस्य आज भी कोई पता नहीं कर पाया। आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि आप कहीं जाएं और अचानक बारिश शुरू हो जाए और फिर आपके हटते ही बारिश बंद हो जाए, ऐसा ही कुछ किस्सा हुआ डॉन डेकर के साथ। ये घटना साल 1983 की है जब डॉन डेकर 21 साल के थे। चोरी के मामले में उन्हें जेल की सजा हुई थी और अचानक उनके दादाजी की मौत हुई। इसके बाद वो अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए। दादाजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें जेल से कुछ शर्तों के साथ रिहा किया गया। डॉन डेकर की एक और सच्चाई ये है कि उन्होंने अपने दादाजी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि जब वो 7 साल के थे तब उनके दादाजी ने उनका यौन शोषण किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। दादाजी की अंतिम क्रिया पूरी करने के बाद जब डॉन डेकर अपने दोस्त के घर पर रुके तब अचानक से ही एक वाकया हुआ। डॉन डेकर के दोस्त किराए के मकान में रहते थे जहां उनके साथ और भी दोस्त रहा करते थे। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे और अचानक से छत से पानी की बूंदें टपकने लगी। जब छत पर जाकर देखा तो पानी की बूंदें क्यों टपक रही हैं, क्योंकि बाहर कोई भी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन छत पर इस बात की कोई भी जानकारी नहीं मिली कि पानी कहाँ से आ रहा है। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये पानी सिर्फ वहीं टपक रहा था जहां पर डॉन डेकर बैठे हुए थे। डॉन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। सभी दोस्त डॉन डेकर को लेकर घर से बाहर निकले। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। और फिर क्या हुआ? अचानक से होने वाली बारिश रुक गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। डॉन डेकर के साथ हुई ये घटना एक बार की नहीं थी। उनके साथ एक रेस्टोरेंट में भी ऐसी ही घटना घटी। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में पहुंचे अचानक से बारिश होने लगी। ये देखकर रेस्टोरेंट के मालिक को लगा कि डॉन के ऊपर किसी भूत का साया है। उसने तत्काल ही डॉन के ऊपर पवित्र क्रॉस सटा दिया। रेस्टोरेंट में जाते ही बारिश होते देख डॉन डेकर घबराकर रेस्टोरेंट से बाहर गए। उनके बाहर जाते ही बारिश फिर से बंद हो गई। अब डॉन ये समझने लगी थी कि ऐसा उनके साथ सिर्फ घर के अंदर ही हो रहा है। इन सभी बातों के बीच जेल प्रबंधन की ओर से डॉन डेकर को दिया गया समय खत्म हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि डॉन डेकर के साथ जेल में ही वैसी ही घटनाएं हो रही थी। जेल के पुलिसकर्मी भी हैरान थे कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसकी सूचना जेल के पदाधिकारियों को दी गई और सोचने समझने के बाद जेल प्रबंधन ने एक पादरी को जेल के कमरे के अंदर बुलाया। पादरी ने कमरे में बाइबल पढ़ना शुरू किया और हैरानी की बात ये थी कि बाइबल के अलावा वहां मौजूद सारी चीजें बारिश से भीग गई। पादरी ने बाइबल पढ़ना जारी रखा। बाइबल पढ़ते पढ़ते ये बारिश खत्म हो गई। बारिश रुक गई और डॉन डेकर के साथ हुई घटना भी। उसके साथ डॉन डेकर के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इन बातों पर विश्वास करना जरा मुश्किल है, लेकिन इस घटना के कई गवाह हैं जिनमें जेल के पुलिसकर्मी शामिल हैं। वहीं डॉन डेकर ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में भी ये घटना बताई थी और कहा था कि शायद उनके दादाजी ये सब उनसे करवा रहे थे। लेकिन आज भी कई लोग हैं जो इन बातों को नहीं मानते। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन बातों पर विश्वास है। वहीं इस प्रकार के पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स पर रिसर्च करने वाले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आज भी इन बातों पर शोध कर रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।